आप लोगों के सामने जो मॉडल से आज बन लगी यो हमारा प्रधानमंत्री मोदी को जी को नया विजन से केदारनाथ कॉरिडोर को मॉडल जो नया ढंग से जो निर्माण होने लगे छे और वे मॉडल का जो काम चल लगे छे पर 3 सितंबर में दिन रात करी के अगला 2-3 साल तक आप कहीं क्लियर बनी मिल जालो। लेकिन मन वे को मॉडल पहले बना ली जो पिछले साल में केदारनाथ ऑफ सीजन में गए थे यही पर्पज से गए थे ताकि वह मॉडल समझ सकूँ और वे आधार बना सकूँ। तो लेवा स्टार्ट कर दो। ये मॉडल की जो सबसे बड़ी खूबसूरत है आप जब प्रवेश कर लाती ये कुछ जो चौबत्तरा है जब आजकल ओम लगे छे यू ये बटन आप सीधा मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और ये कुछ जो प्रवेश पुल छे आप ये पुल भी बड़े जा सकते हैं जो सीधा मंदिर जाना चाहते और दूसरे जो आप तीर्थ यात्री छन जो घाट पर स्नान करने के बाद मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो ये निचले वाला पुल पेटी घाट में स्नान करके और तब मंदिर का दर्शन कर सकते। ये जो मॉडल छे पर दो घाट छन एक के बटे छे और एक के बटे छे आप जब भी जा सकें आप स्नान कर सकते हैं और ये नए मॉडल जो अब बनने वाले छो ये पर एक जने बिल्डिंग बन रही सारी कोई 2 मंजिला छन कोई 3 मंजिला छन और ये मॉडल की जो लकड़ी छे आप देखने लगे छे ये पर जो कलर आए छो नेचुरल कलर कोई कलर नहीं कोई पॉलिश नहीं कुछ नहीं जो लकड़ी है वैसे ही लकड़ी लगा रखी है और ये लकड़ी से जो ये हमारा जो खड़े कलहड़ बोंदो यू कम से कम 5-6 महीने पानी में रखना पड़ी ताकि ये पर नेचुरल कलर ला लो जो यू पत्थर को जो आप मिलान कलर तो सेम नहीं मिलो आपका जो वह पत्थर कलर से। तो चला स्टार्ट कर दें वीडियो सनी और आपका दिखो ना नया मॉडल। तो आदमी जब ये प्रवेश कर लो तो ये चौक में जा लो ये छोटे छोटे गार्डन से बने हम प्रवेश करेगा आप ये सीधा मंदिर का दर्शन कर सकते हैं और आप ये बट भी जा सकते हैं या एग्जिट ये बट भी एग्जिट भी हो सकते हो या इन भी हो सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरे को छे कि सुनने में आया कि एंट्री ये दरवाजा ये बट बोली मंदिर का और एग्जिट ये बट बोलो लेकिन ये सुटेबल ने असल में एंट्री एक बटे हुए हैं ताकि सीधा मंदिर का दर्शन होला और ये छे पर एक घाटी है और एक ये बट है और आप देखा ये सब कुदरत की देन है मेरे खातिर। ये नदी का कलर देखा आप और आप सोच ला मेरे क्यों कुछ बनाई तो सोच ला कि हैरान वाली बात है ये नदी का कलर इंच लगन लगे कि सेम बिल्कुल जन बर्फीलो पानी होने बगे कहीं बिल्कुल सेम बिल्कुल ले देखा बहुत प्यार मत सबसे प्यार ही लगे पर ये बिल्डिंग छ जो बने एक जन कलर की बोली कोई 2 मंजिला कोई 3 मंजिला और ये परपक्ष से बने कि कभी भगवान करो ऐसे यन हो जाओ आपदा ली तब पानी की निकासी सिद्ध हो जाए ताकि दुर्घटना कम से कम हो। और ये सीढ़ी छन जो सीढ़ियों का द्वि त्रिपटी यात्रियों का बैठने की व्यवस्था छे और सबसे बड़ी बात आप देख ला तो यम जो स्पेस छोड़ी छो ये ओपन स्पेस छोड़ी यम ये खातर कि जो हमारा जो फूल पत्री बेल पत्री या दो अगरबत्ती मंदिर में चढ़ाने चाहन वो के दुकान यम लग ली ताकि ज़्यादा भीड़ भड़ाक नहीं वो ये ओपन स्पेस है और ये में मेडिकल सुविधा भी सब दानी व्यवस्था छ यात्रियों खातर से रहने खातर और पुजारियों के खातर से और ये मंदिर का पिछाड़ी देखने लगे वाले कालो कालो कलर के जो बिल्डिंग से बने छोटा छोटा ये कमरा टाइप है ये मेडिटेशन सेंटर ये कमरा छी ताकि आदमी मंदिर में जगह योग साधना भी ध्यान लगे के बैठ सको और ये बटन आप जब जाला सीढ़ियों बटी तो ये छन दिखाला छेद जो इससे जाला करके ये शंकराचार्य जी की समाधि से जो वो प्रवेश कर ला। अगर मैं ये बट तार डालू भीतर जो तो सीधा तार यख निकल दो क्या मेरे पर सुरंग छन बनाए भीतर भीतर तार डाले के आप चेक कर सकते हैं ये पर ओपन रास्ता यमन खुल लो ये बटन जे कहें ये ओपन रास्ता ये बटन खुल यम तो आदमी पैदल ओपन भी जे सको तो और इस सुरंग से ये बटन सीधा भीतर रास्ता है। अगर मैं तार डाले बटन तो आपके तार एक नजर आएगा क्या छोटे मॉडल से और ये जो पार्क से बनी हो ये पार्क जो पिछला साल वे में 2013 आपदा मरे था उनकी याद में स्मृति वे में ये पार्क को निर्माण करे हुए और ये सेट आएगा तो एक घाट ये बटे बचे ये पुल से जो ये बटन जब यात्री निकल रहा तो ये पुल वे कहीं आप सीधा भैरव देवता का दर्शन करने के जा सकते हैं और आप तक बताऊँ ज़्यादा जो बनाए आप लोगों को पसंद आए तो शेयर कमेंट जरूर करें ताकि ये मॉडल बिक जाओ मेरे भी रोजी रोटी चलते रहो। और ये बनाने जो समय से लगे मेरे टोटल से लगे 26 दिन
हालांकि मैं मान सकता हूँ कि शुरू शुरू में बहुत सारी दिक्कत होना बनाने में, आप भी नहीं सोच सकते मैंने कितनी बार मॉडल तोड़े और कितनी बार बनाए कि लेकिन समझना पड़ता कि कौन कौन बनाओ के हिसाब से बनाओ। हालांकि जो अब बना लो मैं तो पर समय कम लग सकता मेरे बहुत कम, अगर ये पर 26 दिन लगे तो 12-15 दिन में तैयार कर दे लो, यानी कि पहले पहले बहुत टाइम लग लो। तो आप लोग तय ये मॉडल पसंद आई तो ज़रूर शेयर कमेंट्स करें, इतना शेयर करेंगे ताकि हर आदमी तक पहुंच जाओ और ये मंदिर बिक जाओ, मेरी भी रोटी रोटी चलते रहो और आप लोगों को नई नई चीज़ देखने को मिलती रही। अगर ये चीज़ बिक लेना मेरे काम नहीं चलू तो आपके नई चीज़ें नहीं मिलनी फिर देखना कहीं कि लगे रोजी रोटी अब ये चीज रोटी भी खाने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो से देख रहे हैं वहाँ की खातर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।